देखो बेटा, आज स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर कौन सा है ये? फोर। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता? रैखिक समीकरण का मानक रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। मतलब कोई ऐसा रैखिक समीकरण होगा, कोई समीकरण होगा जिसमें दो चर आएंगे। क्या आएंगे? एक्स और वाई क्या है? चर है। तो एक्स वाई दो चर है इसमें ना, तो ये जनरल इक्वेशन होगी, राइट? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब इसकी अगर तुलना करते हैं, जैसे कि कोई समीकरण हमने दिया, इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 में ए बी सी के मान बताइए। ए बी सी के क्या बताइए? मान बताइए, जरा बताना बेटा। यह ऐसा समीकरण है, इसमें क्या करना है? ए बी सी के हमें मान बताना है। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, समीकरण, समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 का मानक रूप। का मानक रूप, मानक रूप बेटा क्या माना है? ये वाला ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या यहां से हटाओ, यहीं पे लिख लो। क्या? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना से। तुलना करने पर बेटा, अगर से तुलना करने पर तो बताना ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की जगह कितना है? दो। तो ए बराबर दो आएगा। बी की वैल्यू कितनी आएगी? तो बी बराबर तीन आएगा। सी की वैल्यू कितनी आएगी? सी बराबर आठ आएगा। आया समझ में? ऐसे ही एक और अगर देखें, इक्वेशन -3x प्लस 9y -6 बराबर 0 में क्या करना है? ए बी सी है ना, बताना हमें ए बी सी ही है, ठीक है? तो बेटा इसका मानक रूप क्या होगा? सॉल्यूशन -3x प्लस 9y -6 बराबर 0 का मानक रूप। का मानक रूप, मानक रूप क्या है? ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना से। तुलना करने पर अगर बेटा तुलना करोगे, एक ही जगह कितना आएगा? -3। बिस्क साइन याद रखना, ठीक है? एक ही जगह -3। बी की जगह कितना है? सी की जगह कितना है? -6। क्या बात समझ में आई? है ना, आई तो ये लिख लो, फिर आगे कर।
अच्छा समझ में तो आया ना, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है तुमसे और दो चार टॉपिक है। हाँ करवाएंगे 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 करवाएंगे, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये तुम लोग करके दिखाओगे राइट। क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम्हें क्या, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, -3x प्लस 12 by -6 इक्वल्स टू 0, ए बी सी का मान बताना, करो जल्दी से। ऐसे ही सेम लिखेंगे क्या, कि ये जो है ना इतना रब करके यहाँ पे क्या लिखना है, ये का मानक रूप तुलना एबीसी, बस जल्दी करो बताओ, करो बेटा। करो करो देखो, जैसे क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़े सा चेंज किया, ज्यादा नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे दिया मैंने -3x -6 = 0, मैं ए बी सी का मान बताना है, किसका किसका, ए बी सी का, जरा ट्राई मारिए, नहीं हो रहा फिर हम बता रहे हैं, जल्दी करो। देखो जब ऐसा समीकरण दिया जाए तो इसे हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। पहले बी टर्म है, बी बाई के साथ रहता है, किसके साथ रहता है, बाई के साथ, तो समीकरण -3x - 6 = 0। हाँ अगर इसके बराबर अगर एक समीकरण इसी को लिखना था तो -3x + 0 y लिख सकते हैं, -6, कोई दिक्कत, 0 y मतलब जो टर्म नहीं है वो तो 0 है, तो हमने क्या लिखा, 0 y - 6 = 0 का मानक रूप, क्या है, AX + BY + C = 0 से क्या करने पर, तुलना करना। बेटा a की जगह कितना है, b की जगह 0 और c की जगह, बस आंसर माइनस का 6 है ना, याद रखना। अब नॉर्मली मान के चलो ऐसे ही क्वेश्चन देके हम ये भी पूछ सकते हैं कि इसे ये रैखिक समीकरण को AX + BY + C के रूप में लिखे है ना, तो जरा ये लिख लो, फिर सेकेंड क्वेश्चन चेंज करते हैं, फिर ऐसे लिखवाते हैं। लिखो देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को, निम्नलिखित समीकरणों को AX + BY + C = 0 के रूप में लिखिए, के रूप में लिखी ए तथा ए बी सी का मान बताइए। हाँ कोनो बात बेटा, हाँ तथा ए बी सी का क्या बताइए मान, क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है -2x = 8,
दूसरा माइनस तीन एक्स प्लस सिक्स बाई बराबर जीरो, तीसरा माइनस टू एक्स प्लस आठ बाई प्लस एट बराबर जीरो। तीन ही क्वेश्चन रखते हैं, तीनों को हल करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन देखो, हमें किस रूप में लिखना है, ए एक्स बी बाई और सी के रूप में। बेटा ये बताओ, इसमें एक्स वाला तो है, सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिसके साथ एक्स ना हो, जिसके साथ एक्स। तो बेटा एक्स अगर ना हो तो मतलब इसके साथ एक्स नहीं है, तो इसे बेटा इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, माइनस दो एक्स माइनस का आठ बराबर जीरो। अब इसमें दो एक्स हो गया और आठ हो गया, मतलब दो टर्म तो हो गए, भाई वाला कोई टर्म नहीं है, भाई वाला नहीं है, तो बेटा क्या लिख सकते हो, माइनस दो एक्स प्लस जीरो बाई माइनस का आठ, जो नहीं होगा उसे हम जीरो लिखेंगे, राइट, माइनस आठ। अब वो पूछा कि इस रूप में लिखिए, तो ये तो ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में हो गया। फिर क्या बताया कि ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ये तो आगे बोला, तो समीकरण का मानक रूप, का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से क्या करने पर, तुलना से, तुलना करने पर। बेटा तुलना करोगे तो क्या, ए की जगह कितना है, माइनस का दो, बी की जगह, सी की जगह माइनस आठ, ये आंसर हो गया। दूसरा देखो बेटा, इसमें एक्स है बाई है, एक्स बाई है, सी नहीं है ना, सी नहीं है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तीन एक्स प्लस सी बाई प्लस जीरो बराबर जीरो। किसी संख्या में भी जीरो जोड़ो जीरो घटाओ, संख्या वही रहती है, कर दिया तो ये तो मानक रूप हो गया, राइट। एक आंसर तो ये हो गया, क्योंकि इस रूप में लिख दिया। फिर ए बी सी मान, तो समीकरण का मानक रूप, का मानक रूप क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर से क्या करने पर, से तुलना करने पर। बेटा ए की जगह कितना है, बी की जगह छ, सी की जगह जीरो, सी बराबर जीरो, आंसर आ गया, समझ में आया। बेटा उसमें देखो, ये तो डायरेक्ट दिया गया, उसी रूप में दिया ही गया है, तो समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से क्या करने पर, से तुलना करने पर। बेटा जब तुलना करोगे, ए की जगह कितना है, बी की जगह है, सी की जगह है, हो गया, देख लो जल्दी से, समझ में तो आया होगा क्वेश्चन पूरा, वेरी गुड 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 गुड, करो जल्दी से करो। बहुत वेरी गुड, क्वेश्चन करते हैं, तीनों ट्राई मारना। देखो हेलो, देखो बेटा ऐसे ही कुछ कुछ है, जल्दी जल्दी करिए करो। ओम प्रभु, देखो बेटा सिक्स बाई है, एक्स इसमें नहीं है, एक्स नहीं है तो लिखो जीरो एक्स प्लस सिक्स बाई, ये प्लस का नौ है, इधर लिया हो गया। समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो से क्या करने पर, तुलना करोगे, ए की जगह जीरो, बी की जगह
सी की जगह है माइनस छ, इसमें हो गया, ये हो गया, डन गुड। और एक्सरसाइज करना 3.4.1 ट्राई मारिएगा। हाँ हाँ बुक में ही बता रहे हैं, बुक से क्वेश्चन लगा लाइएगा, ठीक है। 4.1